हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ मनोज गुर्जर। टुडेज अवर टॉपिक इज फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फंक्शनल कंपोनेंट और न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका कोर्स और रिलेशन। फेशियल नर्व की यदि कोर्स और रिलेशन की बात करें तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लें। डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। डायग्राम यदि हम बनाएं तो इसका ये डायग्राम हो गया। फेशियल नर्व जो होती है ना, ये अटैच होती है ब्रेन स्टेम से दो रूट के द्वारा, मोटर रूट और सेंसरी रूट। जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम से दो रूट से अटैच है, एक मोटर रूट एक सेंसरी रूट। ठीक है, देखो कैसे। एक यहां पे ये तो हो गई इसकी मोटर रूट, ये है इसकी मोटर रूट। ठीक है, और देखो यहां पर इसकी होगी, ये हो गई इसकी सेंसरी रूट। ठीक है, और यहां पे देखो ये वाली है लेबरिंथ वेजल्स, यहां पे बनेंगे क्या लेबरिंथ वेजल्स। ये मोटर रूट, देखो नाम लेबलिंग कर लें, ये मोटर रूट। ठीक है, ये क्या है मोटर रूट, और ये वाली सेंसरी रूट, ये है सेंसरी रूट। सेंसरी रूट का एक अदर नेम भी होता है, इसे बोलते हैं नर्वस इंटरमीडियस। इसका दूसरा नाम क्या है, नर्वस इंटरमीडियस। ठीक है, हमने क्या कहा कि मोटर रूट और सेंसरी रूट ब्रेन स्टेम से किस ब्रेन स्टेम से अटैच होती हैं। ठीक है, दो रूट से, दो रूट हैं इनके द्वारा जो फेशियल नर्व है ब्रेन स्टेम से क्या करती है, अटैच होती है। सेंसरी रूट का दूसरा नाम होता है नर्वस इंटरमीडिएट। ये दोनों की दोनों जो रूट होती है, इनका जो लेटरल पार्ट, ये क्या अटैच होती है किससे, लेटरल पार्ट में, किसके, लोअर पॉन्स के, लोअर पॉन्स के लेटरल पार्ट में किससे अटैच होती है, इससे। ये क्या है, ये है एट क्रेनियल नर्व, एट्थ क्रेनियल नर्व है, एट्थ क्रेनियल नर्व के से अटैच होती है कौन सी रूट, सेंसरी और मोटर रूट। ठीक है, लोअर पॉन्स के लेटरल पार्ट में ये अटैच होती है एट्थ क्रेनियल नर्व से। इतना बात की, इसके बाद ये कहां जाती है, ये जाती है इंटरनल ऑकेस्टिक मिएटस में। ठीक है, इंटरनल ऑकेस्टिक मिएटस में चली जाती है। फिर मिएटस में जाने के बाद जो मोटर रूट होती है वो लाई करती है, जो ये एट्थ क्रेनियल नर्व है ना, इसके ग्रूव में लाई करेगी। ठीक है, किसके साथ, सेंसरी रूट के साथ इंटरवेनिंग करते हुए। ठीक है, सेंसरी रूट के साथ मोटर रूट क्या करेगी, इंटरवेनिंग करेगी। ठीक है, और कहां लाई करेगी, एट्थ क्रेनियल नर्व के ग्रूव में लाई करेगी। इसके बाद क्या है, इससे जो ये रूट है सेवेंथ, ये तो दोनों मिलकर क्या बनाती है, सेवेंथ क्रेनियल नर्व बनाते हैं, फेशियल नर्व बनाते हैं। एट्थ क्रेनियल नर्व, ये सेवेंथ और एट्थ क्रेनियल जो नर्व हैं, ये किसको भी इंक्लूड करती हैं, ये इंक्लूड करती हैं, देखो इनको, ये क्या लेबरिंथ वेजल्स, इनको भी इंक्लूड करती हैं, ये होगी लेबरिंथ वेजल्स। ठीक है, लेबरिंथ, ठीक है, लेबरिंथ वेजल्स भी इंक्लूड होती है किसके साथ, सेवेंथ और एट्थ क्रेनियल नर्व के साथ। फिर बॉटम पे यदि हम बात करें, एट बॉटम यदि बात करें या मिएटस के फंडस पे बात करें, क्या होगा वहां पे, सेंसरी रूट और मोटर रूट क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगी, और फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, एक मेन सिंगल ट्रंक बनाती हैं। और वो सिंगल ट्रंक कहां लाई करता है, वो लाई करता है पेट्रस टेम्पोरल बोन में। किस बोन में, मैं यहां नाम लिख देता हूं, देखो पेट्रस टेम्पोरल बोन में। ठीक है, फाइनली जो मिएटस के बॉटम पे ये दोनों की दोनों कौन कौन सी, ये दोनों रूट सेंसरी और मोटर रूट क्या होंगी, फ्यूज होंगी, और ये क्या बनाती है, सिंगल या मेन ट्रंक बनाती है, और इसमें क्या करती है, लाई करती है। इसको नाम लिख लो, देखिए बाहर वाला तो होता है ये, अंदर वाला तो होता है ड्यूरामेटर, ये देखो अंदर वाला तो ये तो है अरेक्नोइड मैटर, और ये बाहर वाला है ड्यूरामेटर। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना, ये था इसका कोर्स। इसके कोर्स के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे, पहले मैं इसको समराइज करा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि फेशियल नर्व दो रूट के द्वारा अटैच होती है ब्रेन स्टेम से, मोटर रूट और सेंसरी रूट। ठीक है, सेंसरी रूट का दूसरा नाम था नर्वस इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि मोटर रूट और सेंसरी रूट जो होती है वो किससे अटैच है, एट्थ क्रेनियल नर्व से, एट्थ क्रेनियल नर्व से अटैच है, और ये दोनों क्रेनियल नर्व किससे अटैच है, लेबरिंथ वेजल से अटैच है। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट में क्या कहा कि दोनों रूट जो होती है मोटर रूट सेंसरी रूट, ये क्या है, एट बॉटम ऑफ
जो मीएटस का जो बॉटम होता है वहां पे फ्यूज होंगी और एक क्या बनाती है, सिंगल ट्रंक बनाती है जो कहां लाई करेगा, कहां लाई करेगा, पेट्रोस टेम्पोरल बोन में लाई करेगा। ठीक है, अब हम आगे इसके कोर्स में यदि हम बात करें, इतना समझ में आया, आगे कोर्स में यदि बात करें तो फेशियल कैनाल में जब जाएगा, विद इन फेशियल कैनाल ये जो नर्व है ये डिवाइड होती है थ्री पार्ट में। आगे इसके कोर्स की यदि बात करें, हमने क्या कहा कि कैनाल के साथ, कैनाल के साथ यदि नर्व का कोर्स बात करें तो ये डिवाइड हो जाएगी थ्री पार्ट में दो बैंड्स के द्वारा। देखो कैसे कैसे डायग्राम, उसका डायग्राम देख लो, ऐसे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, देखे उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीन पार्ट हो गए। ये जो देखो ये क्या है, ये कैनाल फॉर फेशियल नर्व, मैं लिख रहा हूं यहां पे कैनाल फॉर फेशियल नर्व, फेशियल नर्व के लिए कैनाल है, कैनाल के, हमने क्या कहा कैनाल के साथ ये डिवाइड हो रही है थ्री पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। जो इसका फर्स्ट पार्ट है देखो ये वाला, ये है फर्स्ट पार्ट, ये क्या होता है फर्स्ट पार्ट लाई करता है कैसे, लेटरली, ये कैसा होता है लेटरली, ये होता है लेटरली। सेकंड पार्ट कैसा है बैकवर्ड, सेकंड जो पार्ट होता है ये क्या है बैकवर्ड, पीछे की साइड होता है, ठीक है, और ये है थर्ड पार्ट, ये वाला क्या थर्ड पार्ट, ये क्या नीचे की ओर डाउनवर्ड है, थर्ड पार्ट कैसा होता है डाउनवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड, ठीक है, ये तीन पार्ट हो गए। और बैंड की बात करें, दो बैंड ने देखो, एक बैंड ये रहा और एक बैंड ये रहा, फर्स्ट बैंड जो होता है ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट के जंक्शन पे होता है, फर्स्ट बैंड कहां होता है ये होता है जंक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और ये क्या होता है शार्प होता है, इतना समझ गए, ये क्या है शार्प होता है। सेकंड बैंड की यदि बात करें ये ग्रेजुअल होता है, सेकंड बैंड कैसा होगा ग्रेजुअल होगा और लाई कहां करता है देखो यहां पर लाई करेगा, ये तो है प्रोमोंटरी, ये होता है प्रोमोंटरी, प्रोमोंटरी, ठीक है, और यहां पे एक होता है पिरामिड, ये पिरामिड, और यहां से ये क्या पिरामिड, ठीक है, पिरामिड के अंदर क्या होता है यहां होती है नर्व टू स्टेपीडियस, देखो ये जो नर्व है ना ये है नर्व टू स्टेपीडियस, नर्व टू स्टेपीडियस, ठीक है, और यहां पे देखो यहां पे होगा एक एडिटस टू मैस्टॉइड एंट्रम, देखो कुछ ऐसे ऐसे होता है, इसे बोलते हैं एडिटस टू मैस्टॉइड एंट्रम, ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया ना, ये डायग्राम पूरा समझ में आ जाना चाहिए, ये डायग्राम है, ठीक है। अब मैं आगे बता रहा हूं, हमने क्या कहा कि कैनाल के साथ फेशियल नर्व तीन पार्ट में बट गई, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कैसा है डायरेक्टेड लेटरली अबव द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के ऊपर होता है लेटरली होता है, सेकंड पार्ट कैसा होता है ये होता है बैकवर्ड, थर्ड पार्ट कैसा होता है डाउनवर्ड, सेकंड पार्ट जो होता है बैकवर्ड ये रिलेशन में होता है मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर, ठीक, प्रोमेंट्री के ऊपर होता है और मिडिल ईयर जो होता है उसकी जो मीडियल वाल है उसके रिलेशन में होता है सेकंड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट की यदि बात करें ये होता है डाउनवर्ड, ठीक, बिहाइंड द, ये प्रोमेंट्री के पीछे होता है, ठीक है, और कैसा होता है डाउनवर्ड होता है, दो बैंड है, एक फर्स्ट बैंड और एक सेकंड बैंड, ये शार्प होता है और ये सेकंड बैंड क्या होता है ग्रेजुअल होता है, फर्स्ट बैंड शार्प है, सेकंड बैंड ग्रेजुअल है, फर्स्ट बैंड होता है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के जंक्शन पे, और थर्ड, सॉरी, सेकंड बैंड होता है कहां पे, ये होता है बिटवीन प्रोमोंटरी और किसके, एडिटस टू मैस्टॉइड एंट्रम, देखो ये एडिटस टू मैस्टॉइड एंट्रम, ये प्रोमोंटरी, यहां पे ये सेकंड बैंड हो गया और ये हो गया फर्स्ट बैंड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फेशियल नर्व जो होती है लीव कर देगी स्कल को बाय पासिंग थ्रू स्टाइलोमैस्टॉइड क्या फोरामेन, देखो यहां पे स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन हो गई, स्टाइलो मैस्टॉइड फोरामेन, स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन, इसके थ्रू क्या करेगी ये स्कल को क्या कर देगी लीव कर देगी, फेशियल नर्व लीव स्कल बाय पासिंग थ्रू स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन,
तो ये इसके कोसल रिलेशन की बात होगी। मैं अगेन समराइज करा रहा हूं, हमने सबसे पहले क्या कहा था, फेशियल नर्व अटैच थी ब्रेन स्टेम से किसके द्वारा, दो रूट के द्वारा, मोटर रूट सेंसरी रूट। सेंसरी रूट को हमने क्या कहा था, नर्वस इंटरमीडियस कहा था। दोनों रूट किससे अटैच थी, एट क्रेनियल नर्व से, और सेवेंथ और एट क्रेनियल नर्व किससे अटैच थी, वो अटैच थी लेबरिंथ वेजल से। फिर जो फिर हमने क्या कहा था कि मोटर रूट और सेंसरी रूट क्या हो जाती थी, फ्यूज हो जाती थी और क्या बनाती थी, मेन ट्रंक बनाती थी, जो कहां लाई करता था, पेट्रोस टेम्पोरल बोन में। इसके बाद हमने बात की कि कैनाल के साथ फेशियल नर्व तीन पार्ट में डिवाइड होती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, किसके द्वारा, दो बैंड के द्वारा, फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड। फर्स्ट बैंड शार्प होता है, सेकंड बैंड ग्रेजुअल होता है। फर्स्ट पार्ट, अब हम पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो लेटरली होगा, सेकंड बैकवर्ड होगा और थर्ड पार्ट डाउनवर्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की अभी हम बात करें, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, लेटरली होगा, ये होता कहां है, ये होता है अबव द वेस्टिब्यूल। सेकंड पार्ट कहां होता है, ये होता है मिडिल ईयर के मीडियल वाल के रिलेशन में होता है। और थर्ड पार्ट कहां होता है, ये होता है प्रोमोन्ट्री के बिहाइंड। ठीक है, इसके बाद हमने बात की कि फेशियल नर्व लीव कर जाती है स्कल को, स्कल को कहां लीव करेगी, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन को पास करके। इस तरह से कोर्स और रिलेशन फेशियल नर्व का क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू।